असलम गाइज़ आई होप यू ऑल विल बी फाइन वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल को एक लर्निंग विद नूर सबसे पहले मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि मैंने अपने YouTube चैनल का Facebook पर एक सेपरेट पेज भी बना लिया है मेरी Facebook आई का लिंक भी मेरे YouTube चैनल के अबाउट में ऐड कर दिया गया है आप वीडियोज़ के अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉमेशन गेन करने के लिए मुझे Facebook पर फॉलो भी कर सकते हैं और मेरे ग्रुप का पार्टनर भी बन सकते हैं उस ग्रुप में इंग्लिश ग्रामर लैंग्वेज लिटरेचर और लिंग्विस्टिक से रिलेटेड रेलिवेंट मटीरियल भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा जिससे आप हेल्प ले सकते हैं Today our topic under discussion is Feminist Perspective of Meatless Days by Sara Suladi. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन फेमिनिज्म फेमिनिजम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ लिटरे थे हम ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर सेपरेट वीडियो लेक्चर्स है जिनका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप उन वीडियो से भी हेल्प ले सकते हैं फेमिनिज्म एक ऐसी लिटरेर थियरी है जिसमें फीमेल के लिए मेल्स की तरह इक्वल राइट और अपॉर्चुनिटीज डिमांड किए जाते हैं द मेन नोशन ऑफ द थियोरी फेमिनिज्म इज फीमेल शुड नॉट बी मार्जिनलाइज्ड एंड डोमिनेंस सोसाइटी। नॉवल मीटलेस डेज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो मेरी यही रिकमेंडेशन है की इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देखें क्यूँकी उस वीडियो में इस नॉवल का कम्प्लीट ओवरव्यू दिया गया है जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फेमिनिज्म इन मीटलेस डेज इस नॉवल का टाइटल मीटलेस डेज भी फेमिनिस्टिक है और सारा सिलैरी भी एक फेमिनिस्ट राइटर है जिसको हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया है नॉवल मीटलेस डेज में मेल पैट्रियार्कल मींस मेल डोमिनेंस सोसाइटी में फीमेल की पोजिशन को हाईलाइट किया गया है सारा सिलैडी पाकिस्तान के ट्रेडिशनल कल्चर को अमेरिका की मॉडर्न वैल्यूज में मिक्स करके प्रेजेंट करती है सारा सिलैडी ट्रेडिशनल कल्चर को मॉडर्न कल्चर के साथ कंपेयर भी करती है और वो ये रिकॉल करती हैं कि जब उन्होंने अपना टाइम पाकिस्तान में स्पेंड किया था तो उनकी दादी और उनकी मदर कैसी जिंदगी गुजारते थे वो मॉडर्न सोसाइटी में होने वाली डेवलपमेंट को भी अपने नावल में पोर्ट्रे करती हैं शी एक्सप्रेसिस द प्रॉब्स ऑफ पाकिस्तानी वुमन एज द ओनली ट्रबल विद बींग फीमेल इन पाकिस्तान इज डेट इट अलाउज फॉर टू पॉसिबल मोड्स ऑफ बिहेवियर आइदर यू कैन बी स्वीट एंड सिंपल और यू कैन बी कोल्ड एंड प्राउड इस कोटेशन के थ्रू सारा सुलेरी ये प्रूव करने की कोशिश करती है कि नावल में फीमेल्स को एक यूनिक वे में प्रेजेंट किया गया है सारा अपनी मदर को जेन ऑस्टन और मिसेस रैमसे से एसोसिएट करती हैं जेन ऑस्टन इंग्लिश लिटरेचर की एक फेमस फीमेल नॉवलिस्ट हैं जबकि मिसेज रैमसे को वुमेन ऑफ ग्रेट काइंडनेस एंड टॉलरेंस का टाइटल भी दिया जाता है और वो एज अ प्रोटेक्टर भी रोल प्ले करती हैं नॉवल में फीमेल के करेक्टर्स को हमेशा स्टोरी टेलिंग और घर के कामों में मसरूफ दिखाया जाता है दादी प्लेज द रोल ऑफ अ स्टोरी टेलर वाइल द मदर ऑफ सारा इज

कंक्लूजन इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को कंसीडर करें इट मींस वो रीडर्स के सामने सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू या आइडिया को रखती हैं और ये रीडर पर छोड़ देती हैं कि वो इसे नेगेटिव पर्सपेक्टिव में लेकर जाता है या पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से इसे देखता है नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रोल ऑफ फीमेल्स इन द नॉवल एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सारा ऑकोपाइज द यूनिक पोजिशन और रोल एज अ फेमिनिस्ट राइटर नावल के फर्स्ट चैप्टर का टाइटल एक्सीलेंट थिंग्स इन वोमन रखा गया है जिसमें सारी स्टोरी दादी के करेक्टर के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती हुई नजर आती है इट सारा मींसारा हैज गिवन मोर इम्पोर्टेंस टू द फीमेल करेक्टर्स रादर दैन द मेल करेक्टर्स इन द नावल एक्सीलेंट थिंग्स इन वोमन ने एटीन एटी नाइन में एज एन ऐसे पुष्कर प्राइज भी विन किया था और फिर जब नॉवल मीठलेस को पब्लिश करवाया गया तो सारा सोलै ने एक्सीलेंट थिंग्स इन वोमेन को इसके फर्स्ट चैप्टर के तौर पर चूज कर लिया था और फिर यह डिसाइड कर लिया गया कि एक्सीलेंट थिंग्स इन वूमेन ही हमेशा के लिए इस नावल का फर्स्ट चैप्टर रहेगा नॉवल को टोटल नाइन चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है जिसमें फर्स्ट चैप्टर का टाइटल एक्सीलेंट थिंग्स इन वूमन है एट चैप्टर का टाइटल वट मामा न्यू है और सेवन चैप्टर का टाइटल इमोडन ऑफ इफत है वट मामा न्यू में सारा सुले अपनी मदर की लाइफ को डिस्कस करती हुई नज़र आती हैं जबकि इमोडोशन ऑफ इफत में सारा अपनी सिस्टर इफ़त की लाइफ को डिस्कस करती है वो हर किस्म के सीरियो टाइप लाइक फोर्स नोशन और बिलीफ को डिस्कार्ड करती हुई नजर आती है जिनका यह मानना है की फीमेल मेल से ज्यादा कमजोर होती हैं वो इस आइडिया को भी डिनाई करती हैं कि मेल फीमेल से ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल और एक्सीलेंट होते हैं और इसके बेस्ट एग्जांपल उनके नॉवल के फर्स्ट चैप्टर का टाइटल है जो कि एक्सीलेंट थिंग्स इन मैन की बजाय एक्सीलेंट थिंग्स इन वुमेन रखा गया दूसरी फेमिनिस्ट की तरह वो भी ये बिलीव करती हैं कि फीमेल को मेल की तरह इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए सारा सुलर ये एक्सपोज करती है कि मेल ने फीमेल से उनके नेम होम रियल आइडेंटिटी पर्सनल चोइस एंड ओपिनियन सोशल स्टेटस और फ्रीडम को छीन लिया है पाकिस्तान की फीमेल्स को मेल के नेम होम आइडेंटिटी पर्सनल ओपिनियंस और सोशल स्टेटस से आइडेंटिफाई किया जाता था फीमेल्स की अपनी कोई इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं थी और उनका काम सिर्फ घर पे रहकर बच्चों को संभालना और घर के कामकाज करना था सारा फुलहरी अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेशंस को लेकर अपने नॉवल के करेक्टर्स पर इंप्लीमेंट करती है सारा अपनी मदर के करेक्टर को ऐसे पोर्ट्रेट करती है कि वो लीफ या ट्विक की ब्यूटी को देखकर खुश हो जाती कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली फीमेल के करेक्टर्स को मेल के करेक्टर्स पर प्रेफरेंस देती हैं वो ये जानती हैं कि पाकिस्तानी सोसाइटी में मेल पैट्रियार्की को सपोर्ट किया जाता है जबकि फीमेल को सब्जुगेट या सप्रेस करने का रवाज है क्योंकि वो पाकिस्तान में भी रही हैं और पाकिस्तान में रहते हुए ये उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है इसी वजह से वो फीमेल के इक्वल राइट्स के लिए फाइट करती हुई नजर आती हैं टू कंक्लूड द होल टॉपिक सारा सेज फीमेल कैन सर्वाइव इन मेल पेट्रिया सोसाइटी ओनली एज अ ग्रैंड मदर मदर सिस्टर डॉटर वाइफ एंड खाला इसका ये मतलब है कि फीमेल की आइडेंटिफिकेशन मेल के साथ रिलेशनशिप की वजह से ही होती है अगर वो पाकिस्तान जैसी मेल पेट्रिया सोसाइटी में जिंदा रहना चाहती हैं तो उनको ग्रैंड मदर मदर सिस्टर डॉटर वाइफ या खाला का रोल प्ले करना पड़ेगा यानी कि उसको अपनी आइडेंटिटी मनवाने के लिए एक अच्छी माँ बहन बेटी या बीवी बनना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे फीमेल को अपने बेसिक राइट्स कभी भी प्रोवाइड नहीं किए गए और ना ही किए जाएंगे पाकिस्तान में सिर्फ एजुकेटेड फैमिली अपनी फीमेल्स को बेसिक राइट प्रोवाइड करते हैं वरना पाकिस्तान के बहुत सारे बैकवर्ड एरियाज में आज भी ओल्ड ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है सो आई होप आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नॉवल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड थीम्स सो डेट सॉल्व थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ यू हैव एनी क्यूरियर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस और एनी टॉपिक कमेंट सेक्शन अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें वी वी इन वी विल मीट इन अदर लेसन टिल